नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिपली के ये 13 रामबाण नुस्खे कर देंगे आपको हैरान दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पिपली या छोटी पीपल अनेक औषधीय गुणों से संपन्न होने के कारण आयुर्वेद की एक प्रमुख दवा है दोस्तों। आम जनमानस इसे गर्म मसाले की सामग्री के रूप में भी जानते हैं। पिपली काली होती है तथा पंसारी के यहाँ आसानी से मिलती है दोस्तों। पिपला पाइपर लोंगम का सूखा फल है जो एक चढ़ने वाले गांठदार तनाव एवं चिरस्थायी काष्ठ सदृश जड़ों से युक्त है। इसके पत्ते 5 से 9 सेंटीमीटर लंबे, 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़े, अंडाकार, तल में विस्तृत वृत्ताकार पिंडक वाले हैं। स्त्री जातीय स्पाइक बेलनाकार, पुंजातीय स्पाइक बड़े और पतले होते हैं इसके दोस्तों। स्त्री जातीय स्पाइक 1.3 से 2.3 सेंटीमीटर लंबे, 4.5 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। फल अंडाभ, पिताभ नारंगी, छोटा गुठलीदार फल एवं मांसल स्पाइक में डूबा हुआ होता है। पिपली की कोमल तनों वाली लताएं 1 से 2 मीटर तक जमीन पर फैलती हैं। इसके गहरे रंग के चिकने पत्ते 2 से 3 इंच लंबे एवं 1 से 3 इंच चौड़े हृदय के आकार के होते हैं। इसके पुष्प दंड 1 से 3 इंच एवं फल 1 इंच से थोड़े कम अधिक लंबे शहतूत के आकार के होते हैं दोस्तों। कच्चे फलों का रंग हल्का पीलापन लिए एवं पकने पर गहरा हरा रंग फिर काले हो जाते हैं। इसके फलों को ही छोटी पिपली या पीपल कहा जाता है। वैदेही, कृष्णा, माग्धी, चपला आदि पवित्र नामों से अलंकृत सुगंधित पिपली भारतवर्ष के उष्ण प्रदेशों में उत्पन्न होती है। वैसे इसकी 4 प्रजातियों का वर्णन आता है दोस्तों, परंतु व्यवहार में छोटी और बड़ी 2 प्रकार की पिपली ही आती है। बड़ी पिपली सिंगापुर से आयात की जाती है, परंतु छोटी पिपली भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। 3 पिपली पीसकर, जी हाँ दोस्तों, शहद में मिलाकर चाटने से श्वास खांसी के साथ ज्वर मलेरिया ठीक होता है। फ्लू में 2 पिपली या 1/4 चम्मच सौंठ दूध में उबालकर पिलाएं, लाभ होगा दोस्तों। पिपली के 1 से 2 ग्राम चूर्ण में सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर दांत पर लगाने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। पिपली मूल, काली मिर्च और सौंठ के सम भाग यानी कि कुछ एक भाग के चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ चाटने से जुकाम में लाभ होता है। पिपली वृक्ष के पत्ते दस्तों को बंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको दस्त लग रहा है, पिपली मतलब हमारा यहाँ है दोस्तों पीपल, कई जगह पीपल बोला जाता है इसे। इसके पत्ते चबाएं या पानी में उबालकर इसका उबला हुआ पानी पिएं, आपको लाभ होगा दोस्तों। पिपली को पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। पिपली और वच चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर 3 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से 2 बार दूध या गर्म पानी के साथ सेवन करने से 0.5 cc का दर्द ठीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधे सर का दर्द ठीक हो जाता है। पिपली या छोटी पिपली अनेक औषधीय गुणों से संपन्न होने के कारण आयुर्वेद की एक प्रमुख दवा है। आम जनमानस इसे गर्म मसाले की सामग्री के रूप में भी जानती है दोस्तों। इसका मसाले के रूप में और अचार एवं परिरक्षकों में भी प्रयोग होता है दोस्तों। इसके फल एवं जड़ें श्वसन रोगों के लिए दवा के रूप में और पेशी दर्द सूजन के लिए प्रति प्रकोपक एवं पीड़ाहारी रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके वातहर हिमेटेनिक एवं कृमिरोधी गुण में शहद मिला है दोस्तों। प्रातः सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियमित होती है दोस्तों तथा हृदय रोगों में लाभ होता है। वात जनित समस्याएं, जी हाँ दोस्तों, 6 से 5 पुरानी पिपली के पौधे की जड़ सुखाकर कूटकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 1 से 3 ग्राम की मात्रा गर्म पानी या गर्म दूध के साथ पिला देने से शरीर के किसी भी भाग का दर्द 1 से 2 घंटे में दूर हो जाता है दोस्तों। वृद्धावस्था में शरीर के दर्दों में यह अधिक लाभदायक होता है। यौन शक्ति और काम शक्ति बढ़ाने के उपाय, जी हाँ दोस्तों,
यौन संबंध बनाने के लिए जितना ध्यान मानसिक तैयारी और काम में उत्तेजना को देना चाहिए, उतना ही ध्यान अपनी यौन शक्ति पर भी देना आवश्यक है। यौन शक्ति के अभाव में एक बेहतरीन रोमांटिक माहौल में भी आप अच्छे से अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाएंगे या अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जिन व्यक्तियों में यौन शक्ति का अभाव होता है, वह सेक्स के दौरान थोड़ी ही देर में खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। उनके लिए भी ये पिप्पली बहुत ही लाभकारी साबित होता है। दोस्तों, अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।